तो आज है मंडे, कल था संडे। मतलब आज है नौ मुहर्रम, और जो है मैं आज ये करने जा रहा हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो मैं हलीम बनाने जा रहा हूँ, ऐसे ही बनाने जा रहा हूँ हलीम। तो क्योंकि जब छुट्टी होती है तो बहुत बोरियत होती है, और जब बोरियत होती है तो काम कर लेते हैं। तो मैं हलीम बनाने जा रहा हूँ, और शायद मैं बनाना ब्रेड बनाऊँ। तो आई एम गोइंग टू व्लॉग दैट टुडे। बाकी जैसे जैसे बनाते रहते हैं वैसे वैसे शेयर करते रहते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग किचन में आ गए हलीम बनाने के लिए। और जो हलीम बनाने के लिए चीज़ें करनी थी वो मैंने कर ली है। मतलब जो पहले चीज़ें करनी होती है वो मैंने कर ली हैं, मतलब पूरी नहीं की हैं, लेकिन हाँ एक जो मेन काम था वो था दाल को भिगोना। वो मैंने रात में ही भिगो दिया था, उसमें भी एक मसला हो गया था। हम लोग वैसे बनाते हैं यूजली शान की हलीम, ठीक है। शान में होता है कि दाल वाला पैकेट भी आ जाता है और मसाले वाला पैकेट भी होता है, फिर दाल भिगो देते हैं और मसाला बना देते हैं। इस बार क्योंकि हम लोग जब सामान लेने गए थे तो वहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर में एक सेल्स गर्ल थी, उसने ना अम्मी के साथ ऐसी कोई टाइट किस्म की मार्केटिंग की कि हमने शान का डब्बा उठाया भी, लेकिन हमने रख के नेशनल की ले ली। क्योंकि उसने बोला था कि हम 500 के नेशनल का सामान लेंगे तो फिर हमें जो है वो फ्री कुछ मिलेगा। एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ देसी हाउस होल्ड यू माइट रिलेट टू दिस, के कुछ भी फ्री मिलता है चाहे वो 10 रुपये का भी हो तो हमारी अम्माएँ तैयार हो जाती हैं लेने के लिए। खैर, तो हमने नेशनल की ले ली। अब नेशनल की जब मैंने ली और मैंने घर आके, मतलब कल जो है मैंने खोला डब्बा और उसमें देखा तो उसमें एक तो मसाला बहुत कम और दाल भी बहुत कम। तो जो है फिर हुआ ये कि एक डब्बा बहुत कम लग रहा था जिसकी दाल मैंने भिगोई थी। तो मैंने सुबह फिर, ये तो मैंने रात में भिगो दी थी, अब मैंने सुबह क्योंकि मुझे वो कम लग रहा था मैंने फिर एक और डब्बा मंगवाया और मैंने दाल अभी भिगोई है। तो अब मुझे दो अलग अलग जगह हलीम बनानी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कि दाल गले नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों नेशनल के डब्बे हैं, लेकिन इस वाले मसाले का कलर अलग है और इस वाले मसाले का कलर अलग है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन बड़ी हैरतकुन बात है। और इस वाले मसाले में ज़्यादा है, इसमें कम है, वो भी पता नहीं क्यों, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे और दो अलग अलग हलीम बना लेंगे। पहले ये वाली बनाएंगे, वह रात से भी घी हुई है, और ये वाली हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे क्योंकि फिर दाल नहीं गलेगी। अच्छा, तो जो मैंने रात को पूरी रात जो सोख की हुई थी उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया दाल को। अच्छा, शान और नेशनल की हलीम में एक फ़र्क है। शान की हलीम बनाने का अलग तरीका होता है, उसमें वो मसाला बनाने के बाद उसी में दाल को बॉयल करते हैं। लेकिन नेशनल वालों ने लिखा हुआ है कि पहले जो है दालों को बॉयल अलग से करना है, मसाला अलग से बनाना है, और उसके बाद जो है उनको मिलाना है आपस में। तो मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, मुझे लग रहा है कुछ आलू सीन होने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं, पूरी कोशिश है बेहतर बन जाए। उसके अलावा आई एम गोइंग टू मेक बनाना ब्रेड, तो मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ जब तक दाल गल रही है। ये तो ये हमने तीन केले ले लिए हैं और हम इनको मैश कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बनाना ब्रेड बनाने के लिए ना हमें जो केले चाहिए होते हैं वो बर्बाद किस्म वाले केले चाहिए होते हैं। मतलब सड़े हुए नहीं चाहिए होते, लेकिन ऐसे चाहिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, क्योंकि फिर वो वाले जो केले होते हैं ना वो एक्स्ट्रा स्वीट हो जाते हैं, तो उनसे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप फ्रेश केले जो होते हैं ना उनसे बनाओ तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि वो इतने मीठे नहीं होते केले। तो हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपको मैशर से करना है मैशर से कर लो, मैंने इसी से करना है क्योंकि मैंने इसी से सबको मिक्स भी कर देना है और इसी एक ही फोक से पूरा काम कर लेना है। मुझे बर्तन ज़्यादा गंदे करना अच्छा नहीं लगता और फिर मुझे टाइम भी ज़ाया करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर इससे काम हो सकता है तो इसी से निकाल लो। अच्छा, एक प्रो टिप है दैट इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू बेक बट उसकी मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होती हैं, उस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आई रिकमेंड यू टू गेट दीज। ये मेजरिंग स्पूनस और कप्स होते हैं, मेरे बहुत पुराने हो गए हैं और टूट भी गए हैं क्योंकि आई हैव यूज्ड देम अलॉट। और जो है इनसे ये होता है कि होता ये है कि इफ़ यू आर पेंडर ना, तो उस वक्त आपको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि किस में कितनी चीज़ डलनी है। तो अक्सर ज़्यादा कम होने की वजह से खासकर बेकिंग में ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं, क्योंकि मेजरमेंट जो होती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप वेइंग स्केल भी ले सकते हो, लेकिन वो वही वाली बात होती है फिर कि फिर ग्राम्स में आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चम्मच के हिसाब से बता रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो बेहतर है कि ये ले लें, इस पर ग्राम्स का भी लिखा होता है हिसाब और बहुत अच्छे होते हैं। ये एक टिप थी। तो अब हमें इसमें ऑयल डालना है,
और जो है क्योंकि हमें बाद में इस पैन को जिसमें बनाना है उसको ग्रीस भी करना होगा, तो मैं ऐसे ही में इसको पलट कर रख दूंगा ताकि एक तो हमारा ऑयल ये जो है ये वाला ज़ाया भी ना हो। हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसमें पाउडर शुगर डालूंगा। ये मैंने पीसी है, चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है। आप लोग को जितना मीठा पसंद होता है आप लोग उतना डाल लें। वैसे तो बनाना ब्रेड इज़ सपोज टू बी हेल्दी, तो उसमें चीनी वगैरह इतनी डलती नहीं है, लेकिन बिकॉज़ हम लोग पाकिस्तानी हैं और देसी लोग मीठा मीठा ही खाते हैं, तो फिर मैंने इसमें वाइट शुगर डाल दी है। और वैसे तो अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा नहीं खाना है तो सबसे बेस्ट है कि इसमें शहद डालें, मतलब हनी, और परफेक्ट हो जाती है। लेकिन मैंने इसमें अभी डालनी है ब्राउन शुगर और मैंने वाइट शुगर डाल दी है। शहद मेरे पास ख़त्म हो गया, वरना मैं थोड़ा सा शहद भी डाल देता। और जो है इसको बस आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। मैं इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी डाल रहा हूँ, और जो है आप लोग को शहद डालना तो आप लोग शहद भी डाल सकते हो, और सिर्फ शहद भी डाल सकते हो, सिर्फ ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो, और सिर्फ वाइट शुगर भी डाल सकते हो। एक बढ़िया से कुछ सही से डाल दूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि उसको करना क्या है। अच्छा, मैंने ब्राउन शुगर डाल दी थी, अब मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रहा हूँ। वैसे तो वनीला एसेंस भी ऑप्शनल है, अगर आपको सिनेमन पाउडर डालना तो आप सिनेमन पाउडर डाल दें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं वो नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे घर में कोई खाएगा नहीं। बाकी ये वनीला एसेंस है और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अंडा डाल देना है, अंडा हमेशा अलग बोल में तोड़ के डालना होता है, इसमें तोड़ के नहीं डालना होता क्योंकि कभी कभार अंडे ख़राब निकल जाते हैं। एंड इफ़ यू गाइस वांट मी टू गिव यू ऑल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स फॉर दी बनाना ब्रेड तो मुझे बता देना, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। कॉमेंट सेक्शन में पर बता देना क्योंकि इसमें तो नहीं समझ आ रही होगी आई एम श्योर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रेसिपीज़ होती है ना, रेसिपीज़ होती है वो आप बनाना तो सीखते हो फ्रॉम यूट्यूब या किसी और से, लेकिन ओवर द ईयर्स आप उस पे अच्छा इस वजह से बनाने लग जाते हो क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का फिर अंदाज़ा होने लग जाता है, बहुत सारी चेंजेस आप खुद करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप नए तरीके से डालने लग जाते हो, तो फिर वो आपकी रेसिपी बन जाती है। तो इफ़ यू गाइस वांट मी टू शेयर दैट रेसिपी तो मैं वो शेयर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ डू टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ताकि मैं अलग से वीडियो बना लूँ, इसमें मुझे पता नहीं समझ आ रही होगी। खैर, हमने अंडे डाल दिए और ओवन हम प्री हीट पर लगा देंगे ताकि जब तक ये बैटर तैयार हो तब तक हमारा ओवन जो है प्री हीट हो जाए। और हाँ, अगर ओवन नहीं है तो वो भी कोई मसला नहीं है, ओवन के बगैर भी बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है भाई। पतीले में नीचे नमक बिछाना होता है और सुकून से बेकिंग हो जाती है, बहुत अच्छी, कोई ज़रूरी नहीं है ओवन ही चाहिए। थोड़ा सा मिल्क डालूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही डालना है, और जो है फिर इसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद वो वाला पॉइंट आ जाएगा वेयर यू कैन ऐड नट्स या फिर कुछ भी, चॉकलेट चिप्स डालने वो डाल दो, नट्स डालने वो डाल दो, टूटी फ्रूटी है वो डाल दो। मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूंगा और शायद थोड़े से बादाम डाल दूं और शायद थोड़े से खजूर डाल दूं, आपके पास जौन सी भी चीज़ है वो डाल दें, और अगर कुछ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कुछ भी डालना, वो भी ना डालें, ऐसे भी बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, फाइनली हम इसमें आटा डालेंगे। मैं जो है मैं वीट फ्लावर से बनाता हूँ, आप चाहें तो ऑल पर्पज़ फ्लावर से भी बना सकते हैं, बट मुझे वीट फ्लावर से बनाना ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम जो है अपने लोफ पैन में डाल देंगे। अच्छा, मैंने इसको लोफ पैन में डाल दिया, अगर आपके पास लोफ पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी पैन यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी लोफ पैन में बेकिंग में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा, मेरे पास बटर पेपर मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दिए, तो फिर जो है मैंने इधर मैदा डस्क कर दिया ताकि ये चिपके ना इस पर। ठीक है, अब ऊपर से आप किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं और नहीं भी डालना तो कुछ भी नहीं डाल सकते। मैं इसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट चिप्स डालूंगा और मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगा। अच्छा, वही तो मेरी बनाना ब्रेड जो है वो एक बेक हो गई है, एक बाकी है, और जो है एक बेक हो रही है मतलब, और मैंने हलीम का मसाला चढ़ा दिया है। अब वो जो है मसाला थोड़ा सा भुन रहा है, तो इसमें दाल मैंने गला दी थी, दाल मेरी दोनों गल गई हैं, वैसे तो मेरी कहीं नहीं गली लेकिन हलीम की दालें मेरी दोनों गल गई हैं, ऑल दो अलग अलग टाइम पर बनाई थी। खैर, तो वो जो है उसको मैंने उस पर डालना है, मतलब मसाला भुन जाए तो उसके बाद उसको पतीले में डालना है, मसाले के साथ बनाना है। बाकी मैं दिखाता हूँ, मसाला अभी भुन रहा है, ये अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके बाद इसमें वो डालेंगे दालें और इसको पकाएंगे सही से। हाँ, अभी तो मेरी हलीम ऑलमोस्ट बन गई है, बस इसमें बघार लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो है बनाना ब्रेड की सिचुएशन को, बनाना ब्रेड की सिचुएशन कुछ जो है, एक ये रही एक ये रही। मुझे लग रहा है मेरी बस हो गई है, सो आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर। और जो है अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट और शेयर कर देना।
ठीक है। बाकी इफ़ यू गाइस वांट रेसिपी फॉर बनाना ब्रेड डू लेट मी नो, और अगर मैं बनाऊँ व्लॉग आगे तो भी मुझे बता देना, अगर नहीं बनाऊँ तो भी मुझे बता देना, वैसे तो पता नहीं मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। खैर आगे उसके अलावा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अल्लाह हाफिज़।